उसमें पूरे जम्मू कश्मीर में हर घर नल की बात हो रही है, जल शक्ति की बात हो रही है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट ने आज से 8 या 10 साल पहले जो लिफ्ट स्कीमें लगाई गई थी वो टोटली जो है फेल हो चुकी हैं और करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। आज का एक वफद जो है वो दड़ा फतेहपुर से यहाँ पर हमारे कुछ मौजूद के यहाँ पर पहुँच में आया था और हम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक से हमने मुलाकात की और हमने उनको बताया कि दड़ा में जो लिफ्ट स्कीम है इस पे बकौल आवाम के करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है लेकिन ये अभी तक लोगों के काम ये स्कीम नहीं आई। और आज ही नहीं, ये लोग वक्तन फवक्तन अपनी आवाज़ ज़िला इंतज़ामिया गवर्नमेंट के आला हुकाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते लेकिन बदकिस्मती है कि इस पे इन महकमा पीएचई पे कोई बात नहीं होती और महकमा पीएचई को मुतर्रक नहीं किया अभी तक गवर्नमेंट ने। सिर्फ अगर साल में एक बार कोई दिन होता है तो एक दो लोगों को बुलाकर इसका इनॉग्रेशन किया जाता है, जल शक्ति का बहुत बड़ा भाषण दिया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि हर घर नल, बड़ी जनाब इसकी ऐड निकलती हैं, लेकिन ग्राउंड सतह पे अगर देखा जाए चाहे मैंडर हो, पुंछ हो, सुनकोट हो, यहाँ पर हाल जो है वो ख़राब है। अभी भी बॉर्डर एरिया के लोगों को पानी जो है वो आर्मी दे रही है टैंकों में। कहने का मकसद के टोटली फेलियर है और ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 3 साल से हमें ये बताया जा रहा है कि टेंडर लगे हुए हैं, लोगों को पानी मिलेगा, पाइपें मिलेंगी, लेकिन कोई भी पाइपें, कोई भी टेंडर तो लगे हैं लेकिन वो बराए नाम सिर्फ दिखाने के लिए हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं। आज ये लोग इतने परेशान हैं, जो दड़ा फतेहपुरा ये बहुत बड़ा गांव है, यहाँ की आबादी तकरीबन मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार से अबू होगी, लेकिन ये लोग इतने परेशान हैं कि इनको ना ही लिफ्ट स्कीम का पानी मिल रहा है, ना ही दूसरी पाइपें जो हैं वो टूटी हैं, मुलाजम नहीं है, मुलाजमों की कमी है। कहने का मकसद सिर्फ आप ऐड तो करते हैं, गवर्नमेंट का कोई एडवाइज़र या कोई हमारे गवर्नर साहब आते हैं तो ऐड तो हो जाती है लेकिन ग्राउंड सतह पे कोई भी पानी के मुतल्लिक सर क्या आश्वासन मिला है? देखो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने बाजरिया फोन एडी अपने डी साहब से बात की है, उन्होंने यकीन दहानी दी कि 2 दिन में इनको लोगों को जो है पानी मुहैया किया जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए चलो ये तो खुशी की बात है लेकिन हमने ये आज ये भी कहा कि अगर ये पानी का मसला हल नहीं होता तो हमारी आवाम यहाँ डिप्टी कमिश्नर पूंछ ऑफिस के आगे एहतजाज करेगी। और मैं ये बताऊँ कि यही हाल नहीं, आप खड़ी करवाड़ा जो बॉर्डर बिल्कुल 100 मीटर के एरिए पर है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहाँ के लोग जो है हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाले लोग हैं, जब भी कोई फायरिंग होता है उसमें वो लोग परेशान हाल हैं, उनको 3 दिन से यकीन दहानी दी जा रही है कि आपकी लिफ्ट चलाई जाएगी, पानी लगेगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे महकमा पीएचई जो है वो टोटल फेलियर है और इसके लिए मैं गवर्नर साहब से कहूँगा कि इनकी इंक्वायरी की जाए, जिस जिस एक्सिन ने, जिस जिस महकमा जेई ने, एई ने करोड़ों रुपए जो है वो महकमा पीएचई के नाम पर, लिफ्ट स्कीम के नाम पर घरों में लगाए हैं, उनको इंक्वायरी करके उनको मैं कहता हूँ सलाखों के पीछे दिया जाए ताकि इन लोगों के साथ इंसाफ हो सके। और अगर ग्राउंड लेवल पे पानी नहीं इन लोगों को मिला तो आने वाले वक्त में हम पुरामन जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। शुक्रिया।